बाधित श्रीरामपुर पंचायत का सभी रास्ते का है खस्ता हाल, मान लेने लिया जायजा, आंदोलन की दी चेतावनी। फैक्ट्री मालिक इस इलाके में मजदूर का हक मार के सिर्फ कमाई पर देते हैं ध्यान, सड़क को तोड़ने का ले रखा है ठेका, मरम्मत की बात से भागते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे मालिक। माले के सोनू रवानी, रंजीत सिंह, मुन्ना साव, राजेश दास की अगुवाई में सुबह श्रीरामपुर में प्रवेश करने वाले रास्ते से लेकर श्रीरामपुर ग्राम तक का निरीक्षण किया गया। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने भी सुबह 7 बजे माले के अधिकारी और सदस्यों को लेकर पूरे रास्ते का निरीक्षण किया। बात भी बिल्कुल सही पाई गई। श्री सिन्हा ने कहा, झारखंड को बने 22 साल हो गए, श्रीरामपुर पंचायत में लाखों लोग रहते होंगे, हजार घर हैं, किंतु इस पंचायत में रास्ते को लेकर सभी त्रस्त हैं, कोई सूद लेने नहीं आता, प्रतिनिधि इस इलाके में सिर्फ चुनाव में आते हैं वोट लेने के लिए, प्रतिनिधि को और उनके सदस्य को बाकी दिनों में देखा नहीं जाता। बीजेपी थी उस समय भी जनता छली गई और अभी भी जेएमएम है, इसका भी बीजेपी जैसा ही हाल है। इस पंचायत में कई फैक्ट्री हैं, सभी फैक्ट्री वाले रास्ते को जाम करते हैं, ट्रक खड़ा रहता है, एम्बुलेंस तक सही तरीके से नहीं जा सकती। माले नेता राजेश सिन्हा ने सर्वमंगला क्राफ्ट फूड प्लांट के गेट पर भी किए गए, किंतु गेट जब खोलने को बोला गया तो दरबान यह बोलकर भाग गया कि मालिक को बुलाते हैं, सिन्हा सिर्फ बात करने गए थे। रास्ते को जाम लगाने वाले यही फैक्ट्री हैं, ट्रक जो माल देकर आते हैं उसको गेट बंद करके रास्ते में खड़ा करने के लिए मजबूर किया जाता है। ग्रामीण त्रस्त हैं, जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। आज के कार्यक्रम की अगुवाई माले नेता सोनू रवानी, जगदीश राम, मुन्ना साहू, राजू सिंह, राजेश दास, अजय रसवार, मुकेश पोद्दार, संजय शर्मा, दर्जनों ग्रामीणों ने रुक रुक कर प्रतिक्रिया भी दी। माले के सभी सदस्यों ने कहा कि इस इलाके में जनता की आकांक्षाओं से खेलने का काम हमेशा राजनीतिक पार्टी की है, जिन जिन पार्टी को जनता ने वोट किया उसने जनता को छला है, अब की सरकार भी कुछ सड़कों का शिलान्यास करती है किंतु हमारा पंचायत का कोई सूद लेने वाला नहीं है, माले पर भरोसा लोगों का बढ़ रहा है, जल्द होगा बड़ा आंदोलन। मोहनपुर पंचायत, मटरुका, चुचुंका, पूर्णनगर पंचायत के अलावा मुसफ्फिल, पीटर और शहरी इलाके में भी होगे रास्ते खराब, माले सभी जगहों का उजागर करेगा। यहाँ से जसपुर हो गया, जुमलो हो गया, मतलब इस तरफ से लगभग 1 लाख लोगों का घर है, एक मतलब बहुत बड़ा बड़ा बस्ती है, लेकिन 2000 ईस्वी में झारखंड बना तब से लेकर अब तक इस रोड का कोई मरम्मत नहीं है। उसके पहले बिहार में था, चलिए बिहार में था तो बता सकते थे कि काफ़ी दूर में था, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद रोड की जो हालत है वो लगातार ऐसे ही, और यहाँ के जो कल कारखाने वाले हैं वो कल कारखाने वाले सिर्फ गेट में ताला बंद करके बड़ा बड़ा ट्रक खड़ा करवा के वो पूरा रोड को जाम करते हैं। यहाँ पे टोटो है, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे आने जाने वाले को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको बोलना क्या दिख रहा है सबको। हम यहाँ के कल कारखाने वाले को भी चेतावनी भरे शब्द में कहते हैं कि जो ट्रक खड़ा रहता है यहाँ पे गेट के सामने, उसको आप लेते जाए, माल लेते जाए, माल उतारते जाए, ये आपका बाप का रोड नहीं है, ये सरकार की रोड है, और सरकार के रोड को जाम करने के जुल्म में हम लोग आप पर कानूनन कार्रवाई भी करेंगे, और यहाँ की प्रशासन जो मूक दर्शक बैठी हुई है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको लेना देना नहीं है। उन जनप्रतिनिधि को भाकपा माले एक बार बताना चाहता है कि एकदम दशहरा के पहले तक इस रोड को पूरा डस्ट, जो आपका स्टोन डस्ट आता है उससे भर दीजिए, अन्यथा 9वीं 10वीं वगैरह को ही हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। और पूरे गिरिडीह के जनता को हम बताना चाहते हैं कि भाकपा माले जिस प्रकार से लगातार मुद्दों को उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आती है, उन तमाम जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो लोग हैं, उनको समझाइए कि मुद्दों पर बात। मोहनपुर से श्रीरामपुर जाने वाली रोड है, इस रोड में इतना दिक्कत है, इतना परेशानी है, गाड़ी चलाने में, गाड़ी आने जाने में बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ पे रोड पे खड़ा कर देता है, और जो रोड बचता है पास होने के लिए उसमें इतना ज्यादा गड्ढा है, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा है, लगता है कि कब टेम्पो। मोहनपुर से गाड़ी श्रीरामपुर का रोड है, जो कि प्लांट वाले लोगों ने बारी बारी गाड़ी, वो 50 टन 52 टन की गाड़ी ले जाते हैं, और गेट पे जाके बोलने से भी बोलता है कि हमारे सुपरवाइजर नहीं आए हैं, कांटा वाला नहीं आए हैं, तो गाड़ी हम अंदर कैसे लें, बोलने के बाद इसके बाद 2 दिन पहले एक एम्बुलेंस यहाँ पलट जाती है, फिर 4 आदमी ने निकाला उसको, इसके बाद गेट में आके बोला भाई हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी अंदर नहीं ले सकते, हम लोग का परमिशन नहीं है ऊपर से। हम 10 साल से प्रयासरत हैं कि इस कार्य के गतिविधि को सुधारा जाए,
लेकिन इस कार्य को, इस गतिविधि को देखते हुए हम लोग का आवाजाही में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इतने रह रह करके खड्डा, कहीं रात में कोई, ठीक है हम लोग तो जानकारी, लेकिन ना जानते हुए आदमी लोग जो आए रात में, कभी किस जगह पे गड्ढा है, किस जगह पे क्या है, पानी का रास्ता भरा हुआ है कि अचानक कोई भी आदमी गिर पड़ जाए।